हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे बोर्ड के बारे में, जो कि इस तरह से हम बोर्ड बनाएंगे। ये पूरा पीवीसी बॉक्स आता है, ये इस तरह इसमें फिट होता है, और इसको आज अपन बनाएंगे एक बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। और इसके लिए हम सबसे अच्छे अच्छे टूल्स जो हैं, जैसे ये एंकर का आता है, एंकर कंपनी के सारे टूल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इनको इस तरह से ये पॉलीथीन में निकाल के अपने यहाँ पे सब रख लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा होल्डर भी है। उस होल्डर को भी बहुत अच्छी तरह से लगाएंगे, पैकेट है, बहुत ही अच्छी सेफ्टी होती है और अच्छी मजबूती से रहता है। इन सबको अपन आज इसमें लगाने वाले हैं, और ये अपन ने नट बोल्ट खोल के अलग अलग रख लिए हैं, क्योंकि तो दोस्तों मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए सब कुछ तैयारी कर लिया। अब मैं आपके सामने इसको फिटिंग करके बताऊँगा, इसके कनेक्शन करके बताऊँगा। कनेक्शन के लिए अपने पास ये 1 mm की वायर है कॉपर की, जो कि बहुत ही अच्छी लॉन्ग लाइफ रहती है, अच्छी इसकी सर्विस रहती है। तो ये सब अपन, और ये जो पॉलिथीन है जो अपन ने इनसे इनको कवर की है, उसको निकाल लिए है ना। तो सबसे पहले अपन इसको सेट करेंगे दोस्तों। तो सेट करने के लिए कौन सी चीज़ कहाँ पे लगाएं ताकि बहुत ही अच्छी लगे, उसका विशेष चीज़ ध्यान रखें, है ना। कभी अभी क्या होता है कि एक सॉकेट एक स्विच, एक सॉकेट एक स्विच, इस तरह से कचरा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना अपन को, अपन को करना क्या कि ये जैसे यहाँ पे मैंने दो छेद कर लिए हैं, जो यहाँ पे ऐसे होल्डर लगा देंगे। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, एक लाइन में आप सॉकेट लगा दीजिए और दूसरी लाइन में पूरी बटन लगा दीजिए, है ना। एक 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 ऐसा करेंगे तो बोर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। तो इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना है कि अपना जो काम हो वो अच्छा लगे। तो चलिए अपन सेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको एक यहाँ पर 3 पिन लगा देंगे, उसके बाद अपन एक यहाँ पर 2 पिन लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक और 2 पिन यहाँ पर लगाएंगे, है ना। इस तरह से लगाएंगे, और फिर यहाँ पर चारों स्विच दोस्तों, चार स्विच हैं यहाँ पर, 3 सॉकेट हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक स्विच रहेगी वो इसकी रहेगी, यहाँ पे डायरेक्ट जो फर्स्ट वाली बटन होती है वो लाइट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक इसकी बटन लगाएंगे, उसके बाद ये तीनों के तीन हो जाएगा, है ना। चलिए इसको मैं पहले कस लेता हूँ। फ्रेंड, ये अपन ने लगा लिया है 3 सॉकेट लैंप से, और एक लैंप से 4 बटन लगा लिया है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे अपन कनेक्शन करेंगे। और ये जो बटन रहेगी ये अपन यहाँ पर बोर्ड लगा लेंगे, ये मैंने होल बना दिया है ताकि यहाँ से वायर अपन अंदर डाल सकें और ये होल्डर अपन को इस तरह से लगा सकें, है ना। इनको सबसे पहले अपन इस तरह से बिठा देंगे, और इसको सबसे पहले अच्छी तरह से अपन पूरा टाइट कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अपन को पहले कनेक्शन कर लेंगे, होल्डर सबसे लास्ट में लगाएंगे। दोस्तों वायरिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले अपन को कॉमन सी कौन सी चीज़ है वो करनी चाहिए, जैसे कि ये स्विच है नीचे, है ना। देख लीजिए ये स्विच है, ये जो स्विच हैं ये चारों, और ये 3 सॉकेट है ना। तो इनको सबसे पहले अपन कॉमन करना है। कॉमन कैसे कि जैसे ये स्विच है, इनको चारों में नीचे वाले पॉइंट पे एक वायर जो है ऐसी लंबी डाल लेना है। और इसी तरह से जो सॉकेट होती है ना, सॉकेट में भी न्यूट्रल वाली जो वायर है 1, 2, 3 पॉइंट में इनको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन करेंगे, उसके बाद इसका इससे कर देंगे, यहाँ का यहाँ से कर देंगे, और यहाँ की लाइन का यहाँ से कर देंगे, और ये जो ये वाली स्विच है इसका पॉइंट ले जाके अपन बल्ब में लगा देंगे। तो दोस्तों ये अपना ये हो गया टाइट, है ना। जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन बताया था दोस्तों, यह कर लिया मैंने आखिरी पॉइंट टाइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वायर है ये थोड़ा लूज मैंने इसलिए रखे हैं ताकि भविष्य में होल्डर ख़राब हो तो चेंज होना हो, तो यहीं से खुल के जब खुलेगा तो ये वायर अंदर बाहर जाएंगी, ताकि बाहर से चेंज हो सकता है बिना बोर्ड खोले। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है बल्ब का, ये वाला, और ये रहा फेस, है ना। ये अपन ने फेस का जो कॉमन है ये कर लिया था, यहाँ पे न्यूट्रल मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉमन कर लिया है। उसके बाद इस जो सॉकेट है इसका कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन ये इस तरह से, और इसका कनेक्शन इस तरह से मैंने कर दिया है ना। और दोस्तों फिटिंग बराबर मस्त आई है, ये देखिए कितना अच्छा बोर्ड लग रहा है। तो अपन को इसी तरह से काम करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये मस्त बोर्ड लग रहा है, ये देखिए इस तरह से अपन को कनेक्शन करना है। और ये बाद में अच्छा वाला जो होल्डर है इसको लगा देते हैं, उसके बाद इसको अपन फिट कर देते हैं। तो फिट करना बहुत ही आसान है, इसमें खुद बकायदा सब कुछ बना होता है, बस इस तरह से लगा के इसको अपन घुमा देते हैं, है ना। तो ये बनेगा अपना होल्डर, ये लगा दोस्तों बोर्ड, और कितना अच्छा बोर्ड लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में। तो इस तरह से कनेक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इस तरह से कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।